देखें चाइना में मैं गया था, JCC होती है जॉइंट कॉपरेशन कमेटी, CPEC की हाईएस्ट फोरम है जिसको पाकिस्तान की साइड से मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चेयर करते हैं। वहाँ पे NDRC करके इदारा है, वही उनका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, उसके वाइस चेयरमैन उसको चेयर करते हैं। उस मीटिंग में जो नई बात इस दफ़े मैंने सिंध की तरफ से दो प्रोजेक्ट्स रखे थे, इसलिए कि उन्होंने दो नए सेक्टर्स उधर शुरू किए हैं अपने CPEC में, एक एग्रीकल्चर के नाम से और एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन दोनों के हिसाब से एग्रीकल्चर में हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, उसमें टाइम लगेगा इसलिए कि उसका तरीक़ाकार ये होता है कि पहले एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनता है, उसमें जाती है और वो है चैनलाइजेशन ऑफ रिवर बिटवीन गुड्डू बराज एंड सखर बराज। 180 किलोमीटर जो रिवर का है उसको चैनलाइज करके और रिवर के लॉसेस कम कर दें ताकि हम जो पानी की किल्लत है उसको पूरा कर सकें। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसमें मैंने रिक्वेस्ट की है चाइनीज साइड से कि थर में हम अपनी थर फाउंडेशन के ज़रिए एजुकेशन, हेल्थ, सोशल फॉरेस्ट्री, बायोसैलाइन एग्रीकल्चर, इनका काम कर रहे हैं तो आप हमारे साथ थर फाउंडेशन में। दोनों चीज़ों पे उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिए लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मार्च में प्रॉब्ली मीटिंग होगी जॉइंट वर्किंग ग्रुप की और उसके बाद ये आगे बढ़ेंगी चीज़ें। सीएम साहब, अपोजिशन की जानिब से आपको खत लिखा गया था PSC का चेयरमैन मुकर्र करने और कायमा कमेटियां बनाने के मुतालिक, उस सिलसिले में कोई फैसला? जैसे ही असम्बली का इजलास होगा, अभी हम तो पिछले इजलास में भी तैयार थे करने के लिए लेकिन नहीं हो सका, इस इजलास में हो जाएंगे। असम्बलीज इलेक्ट करती हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं अपॉइंट करता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ना कोई और करे, असेंबली को इलेक्ट करना पड़ता है। तरीक़ाकार ये है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस मिलके एग्रीमेंट कर लें कोई, तो उस हिसाब से कमेटीज बनेंगी, अदरवाइज असेंबली इलेक्ट करेगी, तो प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा। सीएम साहब, 3 साल से सिंध के 7 बोर्ड है, ना कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, ना सेक्रेटरी है, कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा वाइस चांसलर की मिस मैनेजमेंट के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, उनको खत लिख दिया, ये मामला कब देंगे? देखिए, हमारे पास इसका एक तरीक़ेकार है और उसकी एक सर्च कमेटी, दोनों बोर्ड वाइस चांसलर ये प्योरली मेरिट पे अपॉइंट होते हैं। मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, 1 साल पहले इसका एडवर्टाइज किया था, उस में किसी वजह से नहीं हो सका। अभी मैंने दोबारा एडवर्टाइजमेंट के लिए कहा है और सर्च कमेटी भी नॉमिनेट कर दी है जो कि इनका इंतखाब करेगी। डिले वाकई हुई है लेकिन इसको करेंगे जल्दी। हो जाए यूनिवर्सिटी, ये ला यूनिवर्सिटी बन चुकी है, इससे पहले एक सदर में गिरफ्तन में एक कॉलेज है वो कब्जे पर ज़मीन बनी है, उस पर कोई अमल दरामद होगा? मुझे इसका क्या है डिटेल मैं देखूँगा।